हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह का हुआ समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अधिवक्ताओं का समाज में है महत्वपूर्ण स्थान, होगा इनकी हर समस्या का समाधान। किया आह्वान, शासन की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए अधिवक्ता भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आए आगे। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा संचालन समिति गोरखपुर मंडल की बैठक हुई संपन्न। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत की बनी रणनीति। पीपीगंज थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। एसपी नॉर्थ ने कहा, अवैध संबंधों में बाधा बनने के कारण हुई थी सोहित की हत्या। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे मंडलायुक्त। फरियादियों की सुनी फरियाद, दिए निस्तारण के आदेश। रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास का कुलपति ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं से दिखे असंतुष्ट, दिए उसके निस्तारण के निर्देश। सामाजिक संगठनों के सहयोग से पुलिस अधीक्षक यातायात ने वाहन चालकों को वितरित किया निःशुल्क हेलमेट, गुलाब का फूल और पंपलेट देकर यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर रसोईया कार्यकर्ती कल्याण समिति ने बैठक कर किया प्रदर्शन। कार्य बहिष्कार का किया ऐलान। और विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन का 3 दिवसीय धरना हुआ समाप्त। नवंबर में आंदोलन की दी चेतावनी।